चले बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की। एल्विश यादव को लेकर यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता दें, एल्विश यादव केस पर, एल्विश यादव पर केस दर्ज करने को लेकर यह खबर है, केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, गुरुग्राम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। गाने के दौरान दुर्लभ सांपों के इस्तेमाल का आरोप एल्विश के ऊपर है, तो गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एल्विश यादव पर केस दर्ज करने के आदेश हैं, गुरुग्राम कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं एल्विश यादव के ऊपर। बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता रही है, बड़ी जानकारी गुरुग्राम से मिल रही है, एल्विश यादव के ऊपर केस दर्ज करने का आदेश गुरुग्राम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। गाने के दौरान दुर्लभ सांपों के इस्तेमाल का आरोप एल्विश यादव के ऊपर है। तो गुरुग्राम कोर्ट ने एल्विश यादव के ऊपर केस दर्ज करने का आदेश दिया है, एल्विश यादव के ऊपर गाने के दौरान दुर्लभ सांपों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, गुरुग्राम से बड़ी खबर मिल रही है। ब्यूरो चीफ संजय राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से आज गुरुग्राम के कोर्ट में एल्विश यादव को लेकर सुनवाई थी, अब उसी में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। अब गुरुग्राम कोर्ट ने एल्विश यादव पर मामला दर्ज करने के जो आदेश है वो दिए हैं। गुरुग्राम में एक गाने के दौरान दुर्लभ सांपों का प्रयोग किया गया था, उसी के मामले में अब एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में जो है मामला दर्ज किया जाएगा। पशु क्रूरता अधिनियम, वन जीवन जीव अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट और आपराधिक मामला के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने ये आदेश जो है पारित किए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संजय राठौड़ को आप सुन रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दे रहे थे। गुरुग्राम कोर्ट का आदेश है, एल्विश यादव के ऊपर केस दर्ज हुआ।